लेना है अपने घेर से खाना अरे बाप रे चला जा महाराज आप जो कही जा कहां जाएंगे बहुत हाईजी जा हवा ऊपर एकदम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं मुरली वाले हौसला आपका स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं कि जौनपुर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं दोस्तों। बरई पार के जस्ट बगल में एक गांव है वारी। तो घर के अंदर कोई सांप है दोस्तों, कई दिनों से बैठा हुआ है, उपली के अंदर है, कैसे क्या है मामला आपको दिखाते हैं। नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है। मैं भी दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों, जिन्होंने हमको फोन करके बुलाया, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। ये मुरली वाले जी हैं, धन्यवाद। गांव का नाम क्या है? वारी। और ये आपका नाम क्या है? तीर्थराज मिश्रा। आपने हमें कब फोन किया था? परसों। तो दोस्तों, इन्होंने परसों हमको फोन करके याद किया था, हालांकि व्यस्तता होने के कारण सांप भी अभी कहीं भागा नहीं है, घर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और वो भी उपली के अंदर। और उपली एक ऐसी चीज है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लगभग हमारे सभी घरों में अवेलेबल होती है, कहीं कहीं पर तो भोजन बनाने के लिए। और दोस्तों, यह एक ऐसा व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश में, इससे बाटी चोखा का एक लजीज व्यंजन तैयार होता है, लगभग जो हर घरों में मिलता है। और चलिए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसी के अंदर दोस्तों वो सांप ऑलरेडी अभी ऊपर बैठा हुआ था, शोर शराबा सुन करके वो नीचे चला गया है। देखिए दादाजी, ये थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है, ये जानलेवा है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपकी भी सुरक्षा जरूरी है। ये उपली कब से रखी गई दादाजी? गर्मी। अच्छा, गर्मी। बरसात को पहले जी दिया भाई। इतना ठंडी जोर से हाँ। अब तो है कृपा तू भाई, बड़ी ऊपरी भी है। अब तो बत्ती चोखा भी ऊपरी ले ली हो, लड़कियों देखा चाहे। इसीम कुतिया पिल्ला दी थी। अच्छा, वही पिलवा चक्कर में दावे थी। पिलवा कहाँ पे है? पिलवा लेके गए हम बाहर। बिलवा बाबू बिलियन चला जाए, कैसे करिए? कहीं जाएगा कोई बिलियन चला जाए, कैसे करिए? ये देख तो है ही देख रहा हूँ। जितना नगर लागत हो जैसा, जितना नगर लागत है भैया, इधर ढकेल दीजिए, हम खींच लेंगे। खाद ना ही भाई है, केचुल है उसका, मिल गया। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, और इस वीडियो को देखकर दोस्तों आप काफी नहीं कीजिएगा, काफी जद्दोजहद हुआ, और कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों उस मेजबान के पास मैं पहुंच चुका हूँ। दोस्तों ये सांप ऐसा रहता है कि ठंडक के महीने में थोड़ी गर्मी रहती है, जहाँ पर ये उपली रखी जाती है, जहाँ पर। दोस्तों वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। उपली को घर के अंदर से जब भी निकालिए तो किसी छड़ी से पहले उसे ऐसे निकाल दीजिए, फिर हाथ लगा करके आप उस उपली को उठा लीजिए, क्योंकि दोस्तों उपली के अंदर बहुत ही खतरनाक सांप आए दिन बैठा रहता है। जैसे ही उसके साथ छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, या हाथों से टच होता है दोस्तों, उसको तो नहीं मालूम मुझे कौन बचाने आया है और कौन मार रहा है। तो ये स्थितियां दोस्तों बहुत कम देखने को मिलती है। अब ये सांप दोस्तों अपने बचाव की खातिर कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, ये हो गया। चलिए अब हम इसे धीरे धीरे निकालते हैं दोस्तों। इसे देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। ये काम दोस्तों एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों अब ये सोच रहा है कि मुझे छोटी से छोटी जगहों में मैं कैसे छिपूं। ये दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं। जैसा कि आपने दोस्तों वीडियो में देखा है, बाहर से एक कुत्ता इस सांप के ऊपर भूख रहा था, ऊपर ये सांप दोस्तों बैठा हुआ था, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सांप है। इसी को दोस्तों, इसको दोस्तों इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। दोस्तों ये जब जो आपने वीडियो देखा, कुत्ता एक बाहर से इसको भूख रहा था, तो उसके बच्चे छोटे छोटे यहीं पर दिए हुए थे दोस्तों। माँ तो माँ होती है,
और उसी के साथ साथ दोस्तों ऐसा मंजर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई दोस्तों, हम जब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, कोई बदतमीजी करते हैं, तो हमें आपको ये बाइट करने की फिराक दोस्तों लगातार लगा रहता है। ये लोग दोस्तों बड़े ही साहसी है और ये लोग भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इसके साथ दोस्तों मस्ती करना मतलब सीधा मौत को दावत देना। वैसे दोस्तों इसके काटने के बाद इंसान को सीधा हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है दोस्तों, फिर इसी के अंदर ये भाग करके दोस्तों इसकी पूरी लंबाई आप देख के समझ सकते हैं, लगभग 4.5 फीट के आसपास है ये। भाई भाई बहुत सही है, अरे इसको आप दोस्तों देख कर समझ सकते हैं, ये बेचारा बहुत ही मासूम तो है, बेजुबान है, लेकिन दोस्तों कभी भी किसी को बगैर छेड़छाड़ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया, थोड़ा आप लोग शांति बनाएंगे, दोस्तों ये घर का मयूर है, हाँ इसलिए ये भाग नहीं रहा। तो इसको दोस्तों इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा हमारे भारत में बोलते हैं, और गांव में दोस्तों इसी को नाग बोलते हैं और इसी को फेटार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जहाँ पर था वहाँ एक कुत्ता था, मतलब डॉग था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और दोस्तों एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, माँ की ममता तो महान होती है, अपने बच्चों की खातिर जैसा कि आपने वीडियो में देखा वो कुत्ता इसको काफ़ी तेज़ी से भौंक रहा था अपने बच्चों को बचाने के लिए। एक नाम इसका ये है दोस्तों, इसको पलटू के नाम से भी बोलते हैं, ये पलटता बहुत तेज़ी से है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर है। वैसे इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान वैसे इलाज नहीं हुआ दोस्तों तो मर भी सकता है, और ये काफ़ी खाया पिया घर से बिलोंग करता है। दोस्तों इसे आप देख सकते हैं, ये है मयूर, यही अगल बगल टहलता है। हाँ दोस्तों ज़्यादा तो मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल माखन चोर कन्हैया जब थे तो उनको मोर मुकुट बंसीधर बोला गया है, वही मोर का मुकुट धारण करते थे, इसीलिए तो आपका भी नाम मुरली वाले है। दोस्तों बात ये होती है कि वो जो है मोर मुकुट इसलिए धारण करते थे क्योंकि बगैर स्पर्श किए जो प्रेम करता है वो दोस्तों मोर है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। चलिए इसे हम पैक कर देते हैं, दो महीने से लोग निकल रहे हैं, यही दरवाजा संघे संघे निकल रहा था, जा भोलेनाथ दर्शन कराए, अरे उस दिन आया था ना 2 महीने पहले, ये दोस्तों झोला है। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने का ये कई फायदा रहता है, कोई भी हमारी वीडियो आती है, जो भी हमारे पास जानकारियाँ रहती है आप तक पहुँचती है, घंटा भी बजाएंगे, बजा दीजिए, सब बजा चालू कर दिए। तो चलते हैं दोस्तों एक पल के लिए हम उस बच्चे को, उस बेबी को, उस पिल्ले को दिखाते हैं जिसके लिए माँ रात भर तड़पती रही और इसको खूंकती रही, आइए। ओके दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये दो तो छोटे छोटे शेरू हैं, गांव में कितने बेचारे अच्छे हैं, बहुत जानकारी बुला के लेके गई थी यहाँ से, हाँ सच्ची में, हाँ जितना भूखा उतना फिर आगे बढ़ाई,
कि मतलब आवा देखा बच्चा के लगे सांप हुआ। हेलो स्वयं डिस्टर्बेंस हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बेजवानों को बचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।